बाड़सा गांव में एक धार्मिक आयोजन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कहा रेल कॉरिडोर से होगा बादली का विकास। बाड़सा गांव के बाबा शिवनाथ श्याम बाबा मंदिर में वार्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों का आयोजन ग्रामीणों के आपसी सहयोग से मंदिर कमेटी द्वारा कराया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व अन्य लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, पूजा अर्चना की और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। धनखड़ ने बाबा शिवनाथ श्याम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, सामूहिक भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि गाँव में स्थित धार्मिक स्थान हमारी आस्था और प्राचीन समृद्ध संस्कृति के केंद्र हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, उज्जैन में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्वार, दिव्य काशी भव्य काशी बनने से देश भर में लोगों की आस्था अपनी धर्म संस्कृति की ओर बढ़ रही है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बादली हलके को रेल नेटवर्क से जोड़ने का हर हलकेवासी का सपना था, जो अब साकार हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा KMP एक्सप्रेस वे के साथ साथ दोहरी रेलवे लाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास होते ही बादली में वर्ष 2025 तक रेल की सीटी बजनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बाड़सा में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रेल कॉरिडोर पर बादली हल्के के प्रस्तावित रेलवे स्टेशन सीधे देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ जाएंगे। रेल नेटवर्क का कार्य पूरा होने पर बादली देवरखाना या बाड़सा रेलवे स्टेशन रेल में सवार होकर देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकेंगे। यह रेलवे कॉरिडोर बादली हलके का विकास द्वार होगा।